हैं मेरे अपने चैनल और मेरे किचन में। और जैसे कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और संक्रांत भी आने वाली है, तो तिल संक्रांत भी बोलते हैं कई जने से। तो संक्रांत पे क्या होता है कि तिल के व्यंजन बनते हैं वह ज्यादातर, और दान पुण्य किया जाता है। तो उसी के चलते हुए मैं एक रेसिपी बना रही हूँ जो कि है तिल और मूंगफली की मुठड़ी बोल सकते हैं उसको आप। इस आप चाहें तो लड्डू जैसे भी बना सकते हैं गोल गोल, और जिस तरह से मैं बनाऊंगी उस तरह से भी बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री काम में आएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सामग्री काम में आएगी। तो यहाँ पे मैंने गुड़ रखा है, और जो ये प्याली है छोटी लाल जिसमें मैंने मूंगफली और तिल रखे हैं, उतनी ही प्याली, दो प्याली मैंने गुड़ ले लिया ये, और इसको चूरा कर दिया। या फिर आप चाकू से भी, गुड़ सॉफ्ट होता है, चाकू से भी इसको काट के बारीक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिए एक प्याली तिल, सफेद तिल, आप चाहें तो सफेद और काले मिक्स करके भी ले सकते हैं, लेकिन सफेद तिल सुंदर दिखते हैं तो मैंने ले लिए। यहाँ पे मैंने लिए मूंगफली एक प्याली, और साथ ही साथ थोड़ी सी इलायची को क्रश करके कूट के मैंने रख दिया है, और थोड़ा मैं घी डालूंगी, जब मैं डालूंगी तो बताऊंगी, बिल्कुल मामूली सा मैं घी काम में लूंगी। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं तिल और गुड़ की मुठड़ी। गैस ऑन करके कढ़ाई रखिए। अब ये जो तिल है वो मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे इसके अंदर तिल चटकने तक। तिल की चट चट आवाज आने लग जाती है, खुशबू आती है, तब हम इसको बंद कर देंगे, और ये जो हमारे तिल है इनको भून लेते हैं हम सूखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तिल के चटकने की आवाज आ रही होगी आप लोगों को, यानी कि हमारे तिल तिड़कने लग गए हैं। जैसा कि एक कहावत है संक्रांत आती है, जब बोलते हैं कि तिल तड़किया दिन भिड़किया, यानी कि तिल संक्रांत के बाद है ना, जब तिल तड़कते हैं तो दिन भिड़क जाते हैं, यानी कि दिन वापस से वो सर्दी जब थोड़ी खत्म होने लग जाती है, दिन बड़े होने लग जाते हैं। तो ये कहावत बोलते हैं कि तिल तड़किया ने दिन भिड़किया, तो यहाँ पे तिल तड़क गए, तो अब गैस ऑफ कर देते हैं। तो अब तिल को मैं बाउल में निकाल देती हूँ, हमारे तिल भुन गए, और अब बारी आती है मूंगफली की। ये मूंगफली डाल देंगे इसके अंदर, ये मूंगफली छिलके वाली है आप देख सकते हैं। अभी ये जब रोस्ट हो जाएगी तो इसको मैं छिलका उतार के अलग कर दूंगी, और छान लेंगे हम उसको, और नीचे की जो व्हाइट मूंगफली है वो काम में लेंगे। छिलके को मैं उतार दूंगी और मूंगफली को भून लेते हैं। अब इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी मूंगफली भी भुन गई है, मैंने गैस ऑफ कर दिया है, और चट चट की आवाज आने लगी। ऊपर का छिलका मैं भी उतारूंगी इसका, तो इसे भी खाली कर लेते हैं हम बाउल के अंदर। तो यहाँ पे हमने मूंगफली के छिलकों को रगड़ के, और इस तरह से मैंने इसको जाली से छान दिया है। मूंगफली हमने भून के रखी थी, इसके छिलके उतार दिए, और यहाँ पे तिल मैंने भून के रखा था। अब इन दोनों को मैं ग्राइंडर में थोड़ा दरदरा कर दूंगी, मतलब बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा एक दो बार घुमा लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारी ये तिल दरदरे हो गए, तो मैं इसको निकाल लूंगी। सिर्फ दो बार घुमाया मैंने इसको, और ये देखिए आप इस तरह से हो गए। अब मैं वापस से मूंगफली को भी इसी में कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने मूंगफली को भी कर दिया है। अब हम तिल और मूंगफली को दोनों को मिक्स कर देंगे इसके अंदर। तो बस तिल और मूंगफली दोनों हो गए, और इनको मिक्स कर दिया मैंने हाथ से। गैस ऑन करके कढ़ाई रखिए। अब इसमें मैं एक छोटा चम्मच घी डाल दूंगी इसके अंदर, साथ ही साथ ये जो मैंने दो प्याली गुड़ रखा था वो मैं डाल दूंगी। गुड़ को थोड़ा मेल्ट करना है हमको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा गुड़ मेल्ट होने लग गया है, और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, बिल्कुल एक टेबल स्पून जितना। इससे क्या होगा कि सॉफ्टनेस रहेगी जो भी चीज हम बनाते हैं। तो अब इसको हम बिल्कुल हिला लेंगे, और अच्छा सा एक उबाला सा आने देंगे। आप देख सकते हैं हमारे गुड़ में उबाला आ गया। अब ये जो इलायची पाउडर है वो मैं डाल दूंगी, ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये, तो इलायची का फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और बस अब दो तीन उबाले आते ही अब ये जो मिक्सचर हमने बनाया था वो भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे हम। ये है तिल और मूंगफली का मिक्सचर, जैसा कि मैंने बताया ये मैंने मिला दिया। अभी कई लोग चाहें तो इसके अंदर मावे को थोड़ा भून के वो भी मिला सकते हैं, और इसको जमा सकते हैं बर्फी की तरह भी। और बस अब मैं थोड़ा सा हिला के बंद कर दूंगी, तो ये ठंडा होगा तो टाइट होएगा। तो हम इसके मुठड़ी बना लेंगे फटाफट से। तिल और मूंगफली का मिक्सचर डालने के बाद गुड़ के अंदर मैंने थोड़ा सा इसको चला लिया दो चार बार, और ये देखिए बहुत ज्यादा इसको नहीं चलाना, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा। अब ये धीरे धीरे हल्का सा ये ठंडा होगा तब मैं इसके मुठड़ी बना दूंगी, नहीं तो ये धीरे धीरे जमने लग जाएगा। तो बस मैंने गैस ऑफ कर दिया है। ये हमारा मिश्रण है वो थोड़ा ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद ये जमना शुरू हो जाता है। तो बस इस तरह से मैं ले लेके, और हाथ पे मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया, और इस तरह से बना बना के छोटे छोटे शेप में रखती जाऊंगी, और जैसे जैसे ये ठस जाएगा, मतलब जैसे कड़क हो जाएगा तो ये निकल जाएगा। तो बस ठंडा होता जा रहा है ये, बिल्कुल गर्म गर्म में हाथ ना डाले, तो थोड़ा सा हल्का सा पानी का हाथ लगा के झटक लेते हैं,
और फिर इसको लेके बना लेंगे। ये देखिए आप, अब ये थोड़ा टाइट होने लगे हैं, तो इस तरह से दबा दबा के इसकी छोटी छोटी सी मुठड़ी जैसी बना लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल गर्म में आप हाथ नहीं डालें, सावधानी से डालें। ये देखिए, इस तरह से मैं बना के रखती जाऊंगी सारी। लीजिए, हमारी तिल और मूंगफली की जो मुठड़ी है वो बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें, फिर हाथ से शेप दे देंगे और थोड़ा सा पानी में हाथ लगा के पोंछ के कर लेंगे, तो वो गर्म भी नहीं लगेगा और फटाफट से तैयार हो जाएगी हमारी मुठड़ी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, और आप चाहें तो मुठड़ी की जगह आप जैसे बाजार में मिलती है इस तरह से, तो मैंने ये शेप भी बना दिया, और चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं आप। तो लीजिए, हमारी ये तिल और मूंगफली की मुठड़ी बिल्कुल तैयार है।